नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। आप देख सकते हैं एक भारतीय सैनिक के साथ अत्याचार होता है, उसको बीच बाजार में बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, वो भी ईंट से, डंडों से और पिटाई की जाती है। और मैं आज उस सैनिक के बीच मौजूद हूँ। सबसे पहले उनका परिचय जानूंगा और बताऊंगा कि पोस्टिंग कहाँ है और मामला हुआ कैसे, पूरा मामला को विस्तार समझाना चाहेंगे। भैया सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ इस समय आपकी पोस्टिंग है और मामला हुआ कैसे। मैं ले सुना रामबा सिंह राजपूत, रेजिमेंट 6 राजपूत। मैं ले लद्दाख से, मैं प्रयागराज पोस्टिंग में हूँ। मेरी पलटन जो है मेरठ में है और मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं ले लद्दाख गया था अपने जवान और अफसर के साथ। तो मेरे पिताजी कमान हॉस्पिटल में एडमिट थे और प्रयागराज से भी इलाज चल रही थी और उस डॉक्टर साहब भी जवाब दे दिए हैं मेरे पिताजी का कि ले जाओ सेवा सत्कार करिए। और मैं वहाँ से उतरते हुए मैं मेरा ससुर जी का 10 तारीख को एक्सीडेंट से मतलब देहांत हो गया तिवारीपुर मोहम्मदाबाद में। और मैं अपने साहब को बताते हुए मैं 13 तारीख को मुझे सूचना मिली, 14 को मैं ले उतरा और 15 को मैं मतलब दिल्ली आ गया 15 तारीख को फ्लाइट से। और फिर उसके बाद मैं 16 को तिवारीपुर आया, 16-17 तिवारीपुर का। 18 को घर पे आया तो हमको धमकी मिलने लगी मारने के लिए और गाली गलौजा जो अंटू सिंह है वो हमको धमकी दिए कि तुम्हारे जैसे फौजी को बहुत दिखाऊँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जो मैं अपने अधिकारी को बता के आया था लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को कि साहब मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ मगर हमारी ज़मीन है, ज़मीन के विवाद में उनको कहानी बताया था। और मेरे भी पिताजी DM साहब, SDM साहब, चेयरमैन साहब के ड्राइवर थे। और जैसे हमको धमकी मिली 18 तारीख को मैं गया थाने पे, SHO साहब को बताया कि मेरे नंबर पे धमकी आ रही है। तो SHO साहब हल्के में लिए और अंटू सिंह को पकड़ के बंद किए। जैसे SHO साहब का जो आप बता रहे हैं उनका नाम बता सकते हैं क्या? पाल हैं कोई, कासमाबाद थाने में पोस्टिंग। हाँ, कासमाबाद पोस्टिंग है। बोले कि मैं सैनिक के लिए बहुत इज्जत देता हूँ। मैंने कहा साहब हमारे मोबाइल पे ऐसी ऐसी धमकी आ रही है और मारने के लिए, थोड़ा देखिए कौन है। प्रसाद खिलाए, जन्माष्टमी को मैं खाया। और जैसे मैं वहाँ से बता के वहाँ वहीं बैठा था थाने पे ही, तब तक ले एक रविंदर सिंह होमगार्ड हैं हमारे गांव के, उनके मोबाइल खोल गया कि आप धमकी देने लगे। हमने SHO साहब को बताए, SHO साहब बोले कि हम फौजी का, हमने साहब ये नंबर चेक करिए, हमारे मोबाइल पर धमकी आ रहा है। तब तक ये 5-6 बदमाश हमारे घर में घुसे और पूरे तोड़ फोड़ किए और सिकड़ी और 95,000 रुपये ले गए। पैसा सिकड़ी की बात नहीं है, मतलब कि हम लोग देश का रक्षा कर रहे हैं हिंदुस्तान की कोना में, कि हमारे माँ बाप चाहे किसान खुश रहे। और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस गया और SHO साहब पैसे बता रहे हैं कि ले कर छोड़ दिए, जो कि सिमोर गाँव के झावर सिंह हैं दलाल। और हमको उस बात का दुख नहीं है। हम गए अपने ससुर जी की तिरही में मोहम्मदाबाद मार्केट में गए, आप लोग लाइव वीडियो भी देखे होंगे। जैसे जैसे लाइव वीडियो तो ठीक है, एक बात तो झावर सिंह की जो बात आप कर रहे हैं, जी जी, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये क्या है कि जो हमारी जमीन है 5 मंडप 30 दूर पिताजी के नाम पे, DM साहब, SDM साहब, चेयरमैन साहब के ड्राइवर थे भैया, तो हमारे पिताजी की जमीन में ये हरजन गोबर ईटा रखते थे, बहुत हरजन गोबर रखते थे। मैंने कहा भाई छोड़ो अब हम इनको जोतेंगे, तो ये लोग बोले कि ना पुवा लीजिए, जो कि उसके पास कागज पत्र कुछ नहीं है। और ये लोग पैसा दे के, और MLC साहब गाजीपुर में अगर दबाव देते थे तो MLC साहब भी जान गए, उनकी भी रिश्तेदार जो है चेयरमैन है, पूरा हिस्ट्री जानते हुए झावर सिंह को हटा दिए। और इसी बात को झावर सिंह ये कसर निकालने के लिए ये 2-4 बदमाश पाल रखे हैं, जो कि थाना फौजदारी के गलत आदमी को छुड़वा के और सही आदमी को मरवा दो, पिटवा दो, लुटवा दो, यही सब ये काम कर रहे हैं। जब मैं मोहम्मदाबाद गया ऐसे मतलब कि जाल में मैं फंस गया बुरी तरह से, सामान के साथ, साले हमारे एयरफोर्स में है। और मैंने कहा भैया आप पूजा पाठ करो, मैं सामान लेके आता हूँ। और जैसे ही मैं जा रहा था बाइक से ही, वीडियो देखे होंगे, कुछ लोग हमारे गांव के हैं, जो एक नाथू सिंह का लड़का है, पीयूष नाम है, एक सिपाह का लड़का है, जो उसका क्या नाम है उसके पिताजी का, राम सरय सिंह के एक लड़का का नाम, लड़का का विजय सिंह, और एक आज़ाद अंसारी
रानी आजाद रानी का नाम, उसको लड़के का नाम अकबर है, और एक माली का लड़का है जहराबाद का, ये गुट बना के, और ये मोहम्मदाबाद के कुछ मुसलमान के लड़के हैं जो हमें घेर के ईंटा पत्थर और डंडा का वार किए। वो तो सही सलामत है कि हम केंद्र सरकार से कुछ सीखे हैं तो अपना जान बचा लिए, शायद उतनी पतली रास्ता में खड़ा नहीं हो पाए हम, नहीं तो मर जाता कोई बंदा। अगर सिविल आदमी रहता तो मर ही जाता, हाँ सिविल आदमी रहता तो 100 में 100 ये दावा दूंगा मर जाएगा। और मैं इससे पहले मैं जब 22 तारीख को मैं गया था यहाँ ससुराल में, तो मैं सीओ साहब से मिला था, इंटरव्यू किया था कि जैन साहब आपसे मैं कुछ प्रश्नों घर के बारे में बात बताना चाहता हूँ। सीओ साहब को भी बताया हूँ कि साहब मेरे घर में धमकी मिल रही है, कुछ बदमाश घुस के लूटपाट भी किए हैं, मगर सीओ साहब आज बोल रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है। जो कि ऐसा कौन सा अधिकारी है यार, मैं तो एक अधिकारी अपना, हमारे अधिकारी हैं आर्मी में हैं, उनसे कह देते हैं कि साहब मेरे घर में ये समस्या है, तुरंत हमारे विश्वास पे लेटर डाल देते हैं। ये सोचो साहब अंटू को किसके कहने पे छोड़ दिए, अगर शायद अंटू को नहीं छोड़ते तो ये हमारे साथ नहीं घटना होती कि फौजी आदमी को मार देते पीट देते, इनका मन नहीं बढ़ता। इसका सर्वे सर्वे होता है SHO कासमाबाद के जो पाल जी हैं, अगर अंटू को नहीं छोड़ते तो शायद ये इनका लड़का का हिम्मत नहीं बढ़ता। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दोगे तो लाद देंगे केस, भाई हम किसको पैसा देंगे, कौन कहाँ है, गबर प्रधान कहे हैं कि जब तक ले आप पैसा नहीं दोगे तब तक ले सोचो कुछ नहीं करेंगे। मैं SP साहब के दरवाजे गया था लंगड़ते हुए, चोट लगी है काफ़ी, टूट फूट हुई हड्डी में, मैं SP साहब के पास गए तो SP साहब नहीं मिले, SP साहब के राइट हैंड साइड पे, तो मैं कल SP साहब के पास वर्दी पहन के जा रहा हूँ। हाँ हमारे कर्नल साहब भी बोले हैं कि आप जाइएगा तो SP साहब से हमसे बात कराइएगा, और मैं यही चाहूँगा कि ये गलत किए हैं तो इनको सजा मिले, कि कोई गरीब परिवार हो चाहे पीड़ित परिवार हो उसके साथ ये लोग ना करें। अभी इससे पहले जो हमारे भाई हैं होमगार्ड शिवजी सिंह और रविंदर सिंह, इनके घर में पुलिस में है, होमगार्ड मतलब पुलिस में आती है ना भैया, ये ड्यूटी में थे या इनके बच्चे पढ़ाई करने गए थे, तो ये मनपढ़ोई में लड़कों से कुछ तूतू में हुआ होगा, ये मुसलमान के लड़के जो है मोहम्मदाबाद में और कुछ इकट्ठा होके इनके घर पे ईंटा पत्थराव किए थे, तो ये तो काम ठीक नहीं है। मैं तो यही आदित्यनाथ योगी जी से यही अपील करूंगा कि आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार चल रही है, क्या सरकार चल रही है, क्या इस सरकार को आप ढोंगला कर रहे हैं? अगर सरकार चल रही है तो एक सैनिक को ये घाई किए हैं, या तो इनको प्रशासन सजा दे, इनकी ईंट उखाड़े, या तो हमको आदेश दे दें। अगर इनकी बस की नहीं है, थाना SHO और CO साहब जब झूठ बोल सकते हैं, जो जिससे हम खड़े फेस टू फेस होके इंटरव्यू कराया हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमको संज्ञान में नहीं है, CO होते हैं ना, 5 थाना के मालिक होते हैं ना, और उनसे मैं इंटरव्यू करा चुका हूँ 22 तारीख को 9 बज के, कॉल रेट हमारे नंबर पे 9895-93-5008 पे चेक कर सकते हैं कि कब कब मैं SP साहब से बात किया हूँ, कब कब मैं CO साहब से बात किया हूँ, कब कब SHO साहब को लोकेशन बताया हूँ कि ये बंदे कहाँ कहाँ छुप रहे हैं, मगर कोई धर पकड़ नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है कि हाँ देखेंगे देखेंगे, बाद में हम तो बोरिया बिस्तर उठाएंगे कहीं और पोस्टिंग चले जाएंगे। तो आदित्यनाथ योगी जी से मैं यही अपील करूँगा, और रक्षा मंत्री जो हमारे बैठे हैं इनसे यही अपील करूँगा कि मेरे साथ जो हुआ है, कोई भाई और जो किसान हमारे घर पे निश्चिंत सो रहे हैं, ऐसा ना हो। आप लोग तो देश की सेवा करते हैं लगातार, वहाँ पे सेवा करना, कब कहाँ से गोली चल जाए, कब कहाँ से लाठी चल जाए, डंडे चल जाए, कब पहाड़ टूट जाए, और आप लोग घर पे छुट्टी पे आए तो फिर आपके साथ इस तरह की घटना हो गई। जब हम आए तो छुट्टी, तो हमको SM साहब बहुत समझाए कि अपने ससुर जी की ट्रेन में जा रहे हो तो हाथ बटाना, आपके पिता, हमारे पिताजी के बारे में फौज को सबको पता है कि हमारे पिताजी को कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज चल रही है, प्रयागराज में दवा चल रही है, सरकारी क्वार्टर भी है, भाई साहब जाते आते रहते हैं, हम कहीं भी रहते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। मैं SM साहब बहुत हमको समझाए, हमने कहा साहब हम जा रहे हैं निश्चिंत होकर, अब ऐसी कोई बात नहीं, मगर अपने कर्नल साहब को आने से पहले अपने पूरा मतलब कि बता चुके थे, अपने कर्नल साहब को पूरा कहानी बता चुके थे घर का, साहब कि मैं जाऊंगा छुट्टी तो मेरे साथ कुछ लोग जो है ऐसे बेहतर काम, मतलब पहले से शक था, मन में डाउट था, इसलिए डाउट था कि ये मेरे पिताजी जब DM साहब, SDM साहब, चेयरमैन साहब के ड्राइवर थे, तो 1993 में ये लोग हरजनों से भाला भी मरवा चुके हैं जो हमारी जमीन में गोबर ईटा रख रहे हैं, जो कि उसके पास कागज तो तक कुछ नहीं है, और हमारे भाई दया जो हैं गरीब हैं टोला मोहल्ला में, उनको भी ये मारते पीटते रहते हैं,
और उनके पांव धो के सुलह करा लेते हैं, इसीलिए इनका मन बढ़ गया है। और ये दोषी दोषी हम बताऊंगा थाना के सोचो साहब से, यही कहूंगा जो कासमाबाद के सोचो साहब हैं, अंटू को नहीं छोड़ते तो शायद इनके अंदर खौफ पैदा रहता जी, रतक नहीं रहता जी। और ये पैसा देके और इनको छुड़ा दिया गया, रात को 12 बजे छुड़वा के थाना पर से लेके आए और सुबह घटना हो गई। चलिए आप कल वर्दी पहन के जाएंगे। हाँ, वर्दी पहन के एसपी साहब से मिलेंगे हम। तो किस तरह की मांगे रखेंगे आप उनसे कि इस मामले में आप क्या चाहते हैं? मांग यही रखूंगा कि वीडियो दिखाऊंगा जहाँ मैं मार खाया हूँ जी, और सख्ती से इसके साथ कार्रवाई हो। कुछ मुसलमान के लड़के हैं जो अहमदाबाद के पत्थरवाज किए थे हमारे ऊपर, जो पत्थर हमें मारा है उसका घर का ईट का ईट पत्थर का सेवा करके आए हैं। अगर हमारे नहीं मुसलमान के लड़के जो आजाद के ससुराल है, जो हमको मतलब ये दो नंबर का काम करते हैं, गांजा उंजा का बेचते हैं, सप्लाई करते हैं ये लोग, अगर ये जो हमको पत्थर मारे हैं, ईंटा मारे हैं, मैं सरकार आदित्यनाथ योगी जी से और रक्षा मंत्री जी से राजपूत रेजिमेंट की तरफ से मैं यही अपील करूंगा, सिक्स राजपूत की तरफ से और प्रयागराज से, कि इनकी ईंट का जो मकान बनी है इसको ख़त्म कर दिया जाए, कि अगले किसी भाई को ये काम करने से पहले 10 बार कोई गलत काम करे तो सोचे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, लेकिन लगातार इस तरह की वीडियो आ रही है गुंडे माफियाओं की। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया एकदम नहीं दिखेंगे। वो तो बोल रहे थे हमको मारते समय कि इसका सर कुछ दो, मुख्तार भैया का एक लड़का है ना, हमको देख बचा लेगा। वो तो सब बोल रहे थे वहीं पे, धमकी भी दे रहे थे मुख्तार अंसारी का नाम लेके, यानी कि हमको अहमदाबाद में मुसलमान के लड़के मारे हैं, कुछ राजपूत के हैं, एक माली के हैं, तो यानी कि मुख्तार अंसारी का नाम बदनाम करेंगे तो मुख्तार अंसारी का उनका सह होगा। देखिए, मुख्तार अंसारी का नाम तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, लोग नाम खराब करते हैं उनका नाम लेके तरह तरह के नेताओं का नाम लेके लोग नाम खराब करते हैं, लेकिन जब अंदर जाया जाता है तो अंदर कुछ नहीं रहता है, लोग बस भौकाल। कुछ नेता हैं ऐसे नेता हैं कि जो महाराज जी का नाम खराब कर रहे हैं जी। हाँ, कुछ नेता हैं जबराबाद विधानसभा में कि अपने आप को सर्वे दिखाने के लिए, ये जैसे झाबा सिंह हो गए, पप्पू सिंह हो गए, अभी उमेश सिंह है डहिया गांव के, अभी फातिमा में थे, आज अब फातिमा सिंह से कोई चारा नहीं मिला तो लूटपाट के अब बीजेपी में जुड़ गए। तो ये लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि भैया जो जुड़ के ऐसे काम कर रहे हैं कि हम योगी सरकार से बच जाएं और हमारे पर जाँच ना आए, सिंपल सी बात है। हमको कोई किसी से भय नहीं है, डर नहीं है। देखिए ये सैनिक, कल आप वर्दी पहन के जाएंगे, देश के सम्मान की बात है। कितना दुखद होगा, आपको पूरा टीवी चैनल देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, बेहद दुखद घटना होगी कल। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या मजबूरी है कि कल हम ड्यूटी पे चले जाएं तो हो सकता है हमारे फोन पे धमकी मिल रहा है, घर में घुस रहे हैं, हम दिन रात हथियार लेके बर्फ में पहाड़ पे खड़े रहते हैं हवा में कि हमारे घर में कोई दुश्मन न घुसे। हम घर पे आ रहे हैं छुट्टी 3 महीना पे 4 महीना पे, हमको सरकार छुट्टी भेज रही है 90 दिन पे, तो हम आ रहे हैं तो हमारे घर में आतंकवाद घुस रहे हैं, या तो सरकार हमको आदेश दे कि तुम उनको खोज को मारो, पुलिस से पहले मैं खोज लूंगा उनको, SHO से और SCO से SP से पहले मैं खोज लूंगा, मगर इन लोग को लोकेशन बता कि मैं परेशान हो चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो ये थाना इनका मन बढ़ा रहा है। बिल्कुल मैं कट बोल रहा हूँ, मैं SP साहब से बार बार बात कर चुका हूँ, SP साहब का राइट हैंड पॉइंट फोन उठाते हैं, पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते हैं, मगर SP साहब से एक बार बात हुई, जिस दिन हमको मार हुई उस दिन मैं CO साहब से भी बात हुआ, मैंने कहा कि यार हम आपसे बात करके आए, अगर आप लोग अधिकारी हो, अधिकारी के अंडर में मैं जाके अधिकारी से बात कर रहा हूँ, अपने घर की समस्या बता रहा हूँ, और बाद में कहो कि हमको कुछ पता ही नहीं है तो आप लिखित में दे के चले जाएँ घर पे, बहुत हमारे भाई पड़े हैं पढ़े लिखे हुए तेज तड़ाक, वो आएंगे वर्दी पहन के, अभी ऐसे आप क्यों ना कर जा रहे हो CO के कि हमको कुछ पता ही नहीं है, क्यों नहीं फ़ोन किया हूँ, आज ही दो बार फ़ोन किया हूँ उस CO को, CO साहब से बात क्यों है, बोले ठीक है देख रहा हूँ, अभी मेरे सामने आप बात किए तो क्या बोले कि हमारे संज्ञान में है नहीं। मेरे संज्ञान में उन्होंने ये बताया कि वो लोग दोषी नहीं थे। कौन दोषी? अगर मैं दोषी पाऊंगा तो मैं अपनी वर्दी टांग दूंगा खूंटी पे, अगर मैं वर्दी कसम आन मान शान की कसम जो हमारा नमक नाम निशान है उसकी कसम खा कर रहा हूँ, अगर मुझे एक दोषी दे दें SHO साहब अच्छा CO साहब किसी कहने पर नहीं ग्राउंड में आए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं वर्दी टांग के सलाखों के पीछे हो जाऊंगा,
फौज में बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है फौज में ही सिखाया जाता है, अब फौज से ज्यादा डिसिप्लिन कहीं नहीं है। चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही, सही कहा जाता है कि जो देश के सैनिक होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और यह बेहद दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो सरकारी नंबर है 94544034 54, हाँ अभी मैं बात करता हूँ और आपसे डिसाइड करूंगा और इस मामले पे तहकीकात करूंगा, पूछताछ करूंगा कि आपने इस मामले में क्या किया है, और आपको करना पड़ेगा, यह आपके क्षेत्र की घटना। क्यों, एक गरीब परिवार है उसको उठा लो, और जो मेन मेन है उनके परिवार को मत छुओ, पैसा लेके छोड़ दो, एक काम है। यानी सरकारी आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से एक तनख्वाह से पेट नहीं भर रही है, जनता का पैसा लो, और जो निर्दोष है, एक सैनिक मरना पसंद करता है मगर एक झूठ नहीं बोल सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, बहुत अच्छी बात कही। पीएम मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को मैं यही कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि आप सेना पे गर्व करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में ये क्या तमाशा हम देखने को मिल रहा है कि हमको मोहम्मदाबाद घेर के चट्टी चौराहे पे मारा जा रहा है, जो कि वहाँ होमगार्ड भी मौजूद हैं और पुलिस भाई भी मौजूद हैं, दौड़ा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, और बाद में एसओचओ बोल रहे हैं कि नहीं फौजी गलत है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, अगर एसओचओ अगर बोल रहे हैं कि नहीं मैं गलत हूँ तो चीज को साबित करें, अरे तो किस बात पे उसके बाप को छोड़े थे वो चीज बताएं, किसके कहने पे छोड़े थे, कौन नेता फोन करके उनके बाप को छोड़ाया था कि एक फौजी को दोषी देते हुए और उसके पिता को छोड़ दिए, अगर वो नहीं छोड़ता तो शायद ये हमारे साथ घटना नहीं होती। मेरा नंबर 9695935008 पे चेक कर सकते हैं। 18 तारीख से धमकी मिल रही है मारने के लिए, घर में घुस के गहना गुड़िया पैसा कौड़ी सब कुछ लेके चले गए, तभी भी हम दरखास्त दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ, अहमदाबाद में घेर के मारा गया, तभी वहाँ अहमदाबाद का प्रशासन टाइट है भाई, वो पकड़ के अपना कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं एसपी साहब से बात कहूँगा कि आपको नहीं देखा हूँ, आपसे मिलने के लिए मैं कल आ रहा हूँ वर्दी के साथ, और यही बात कहूँगा कि जो आपका नाम और खौफ देखा हूँ वो खौफ बदमाश के साथ रहना चाहिए, जो गलत किया है उसका ईंट उखाड़ना चाहिए। अगर वो बच्चा 2 नंबर का काम कर रहा है, बाप सह दे रहा है, अभी विजय क्या नाम, विजय सिंह नाम है उसका बाप का, रामा सरय नाम है, मैं उसको गया था गंगोली जब घेरा था हमको मारने के लिए, तो मैंने कहा कि कभी आपको रेत नहीं बुलाऊं भैया आपका लड़का, अरे वो पुलिस को और सबको मार देता है तो आर्मी को किया जानेगा, इसका मतलब बाप इस तरह बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढिलाई है जहूराबाद विधानसभा में, और जहूराबाद विधानसभा में खौफ चाहिए बदमाशों का। यहाँ से विधायक है ओम प्रकाश राजभर, हाँ उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी से तो कभी हम बात विचार नहीं किए हैं, ओम प्रकाश राजभर जो हैं, जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। यही कहूंगा कि जहूराबाद विधानसभा का थोड़ा रोड रोड देखें और काम करें, और हमसे कोई उनसे इंटरेस्ट नहीं है, हमसे नेता नुति से इंटरेस्ट नहीं है, हम आते हैं माँ बाप का रक्षा करने के लिए, 3 महीना 4 महीना पर छुट्टी तो अपने माँ बाप का सेवा सत्कार करें और 2 रोटी खाएं, अपने बीवी बच्चों को खुश रखें और अपने हिंदुस्तान की कोना पर चले जाएं। मगर दुखित यही बात है दोस्त कि हिंदुस्तान की कोना पे हम लोग लड़ रहे हैं देश के लिए, कि हमारा पीएम और सीएम और रक्षा मंत्री जी हों, ऐसे कोई भी हो, सब आराम से सोए, और जब एक सैनिक घर में इस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं घुस के, तो ये आदित्यनाथ योगी जी की सरकार कहाँ चली गई, बुलडोजर बाबा कहाँ गए, उखाड़िए इनका घर द्वार आपका। ये तो कल एसपी साहब से मिलते हुए देखूंगा, तो 2-4 दिन के अंदर में मैं सीएम आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के लिए खुद प्रयास कर रहा हूँ, कि आदित्यनाथ योगी जी की यह पता कर रहा हूँ कि गोरखपुर कब रहेंगे, हमारे भी जवान हैं उनके साथ, और युवा एंटी करप्शन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, युवा एंटी करप्शन हम ही लोग चला रहे हैं, राहुल तिवारी सर और चाहे बहुत लड़के हैं उनके साथ, अगर मैं पता कर रहा हूँ कि महाराज जी कब गोरखपुर मिलेंगे या कब लखनऊ मिलेंगे, अगर गोरखपुर मिल जाएंगे तो 100 किलोमीटर दूर है पहुँच जाऊँगा, या तो लखनऊ आवास पे हम सोचेंगे कि सीएम आदित्यनाथ योगी जी से मिलें और अपने परिवार को इंसाफ दिलाएं, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए विधायक जी, आप एक छोटा सा मामला होता है जब चुनाव नजदीक होता है तो आप लोग राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं बिरादरीवाद लेकर के, लेकिन एक भारतीय सैनिक के साथ इस तरह की घटना हुई है, आप इनके यहाँ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक नहीं है। हाँ, अभी चुनाव नजदीक रहेगा, आपके घर पता है कितनी गाड़ियां लगेंगी, बहुत लाइन लग जाती है, बहुत लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, और सभी लोग आपको सम्मान दिलवाएंगे उससे,
लेकिन चुनाव नजदीक अभी एक देश का जवान बॉर्डर का खत्म हो जाए तो फूल माला चढ़ा के देश के जवान के बारे में बात करेंगे जी। 5 साल निकलने के बाद कुछ चुनाव बीतने के बाद भाड़ में जाए, गलत बात है, बेहद दुखद घटना है। विधायक जी आप यहाँ से आप विधायक हैं, यह आपके क्षेत्र की घटना है, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। नहीं, उमा शंकर सिंह जी रसाना के रहने वाले हैं, वो हम बात विचार हुआ था उमा शंकर सिंह से। हाँ, उमा शंकर सिंह भाई जो है हमको बहुत हौसला दिए और बताए कि नहीं बच्चा घबराओ मत, इंसाफ मिलेगा। मगर ये थाना का हमको बहुत दुखित सूचना मिला कि आपके सामने ही हमको सुनने को मिला कि CO जो 5 थाना का मालिक होता है, जो खुद बैठ के 22 तारीख को जाने से पहले ससुराल में उनसे 9:10 पे बात किया और फोन करके साहब मैं आ गया हूँ, इंटरव्यू हुआ, पूरा घर का समस्या बताया और बोल रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, तो ऐसे अधिकारी कासमाबाद में नहीं चाहिए। भारतीय सैनिक के जवान के पिता इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और मैं उस पिता को दिखाता हूं, आप उन पिता की हालात देखकर आप सोचने को मजबूर। जो कि वो डीएम साहब चेयरमैन साहब के ड्राइवर थे, सरकारी राज्य सरकार के कर्मचारी थे और केंद्र सरकार उनको जान बचा रही है। अब देख सकते हैं लाइफ में उधर घुमा के। चलिए मैं दिखाता हूं और पिताजी से मिलवाता हूं। और अभी कल भारतीय सैनिक यही हाल है, बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं और इस समय आप देख सकते हैं पिता की हालात है, और इसी घर में वो गुंडे और माफिया घुस जाते हैं, घर में प्रवेश कर जाते हैं और शीशे तोड़ते हैं और घर में रखते हुए सामान मस्त करते हैं। गुड़िया गंदी गुड़िया की भी बात आ रही है, या तो जांच का विषय है, मामला क्या हुआ आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर से आके और पिताजी की हालात को दिखाएं। ये आर्मी में इनका इलाज चल रही है, आप देख सकते हैं जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और इसी घर में गुंडे माफिया आते हैं, प्रवेश करते हैं और सैनिक के घर पे हमला बोल देते हैं। दुखित ये बात है भाई कि हमारे पिताजी को आर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी थे, सरकारी जिला परिषद से रिटायर हुए, ये इनकी जान बचाने के लिए तो डीएम साहब को लेना चाहिए सरकारी प्रक्रिया, मगर नहीं लिए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयागराज और कमांड लखनऊ मेरे पिताजी के डॉक्टर अफसर लगे हुए हैं जवान बचाने के लिए, मगर जान है तो जान है जितने दिन बचे। चलिए मैं जानना चाहूँगा जब आपके घर पे घटना हुई तो उस समय कौन कौन हुआ? हाँ, हमारी बहन थी, छोटी बहन थी और ये बुआ खोला जैसे मैं इस घर में मौजूद हूँ, बेहद दुख तो इस बात का है कि आगे चल जाए अपने अंदर की आत्मा में थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, पिताजी की तबीयत खराब है कि आने के बाद जो अंदर की आत्मा है खुद से सवाल कर रही है क्या इस हालात में गुंडे माफियाओं को घर में आना चाहिए। बेहद दुखद है, यहाँ आने के बाद अपने जो अंदर की आत्मा है वो रो रही है, और मैं इस समय बात करना चाहूँगा कौन कौन लोग मौजूद मेरे घर में। एक बुआ जी आजमगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, अभी भी धमकी मिल रही है शायद, इसलिए लोग घर केस वापस में धमकी केस वापस नहीं लोगे तो गोली मार देंगे। कौन कहा है थोड़ा पास? ये जो विजय सिंह में नाम है और एक तो मुसलमान का लड़का है अकबर नाम है, कि अगर केस वापस नहीं लोगे थाने से तो हम लोग गोली मार देंगे और तुम्हारी बहन जाती है पढ़ने के लिए तो उसके साथ हम कुछ भी कर देंगे। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का शासन और पता ना क्या कर रहा है यहाँ का शासन और प्रशासन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी की बहन बेटी क्या ऐसे ही धमकी मिलेगी तो किसी की बहन बेटी पढ़ने जाएगी और खुलेआम धमकी मिलेगी? अकबर अंसारी दिया है। मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। आप माता जी हैं थोड़ा सा, हमारी बुआ जी हैं, हमारे घर के पिताजी का इलाज चला था, मेले लद्दाख में था, मेरे घर देखिए कैसे का भाई, मतलब आप रह नहीं उस समय बस इनका भी दिखाई कर घुसला तो गाँव का आदमी का पीछे से छह डॉक्टर। अच्छा, कैठे रहना चाची? चार थे। डंडो ले ले रहा ना? हाथों में डंडा ले ले रहा। और आदमी जब चल रहा था तो भाग गया था। गांव का आदमी खाली डंडे लिए थे कि और भी कुछ बंदूक? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उस बिस्तर को दिखाया जाए, हम ये भी दिखाएंगे कि जवान की कैसे पिटाई की जाती है ईंटों से, डंडों से, लाठियों से, लात घूसों से। हम उस वीडियो क्लिप को भी दिखाएंगे किस तरह से एक भारतीय सैनिक जवान की पूरी तरह से बीच बाजार में पिटाई की जाती है। करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से जो बेड है तोड़ा जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं। अभी ये हमारा रूम है सर, ये रूम का पूरा बेड का सामान
चलिए घर में लाइट नहीं है और इसमें सब तोड़ा फोड़ा गया है, तोड़ फोड़ दिया गया सामान पूरा। और मेरी बीवी जैसे हम आते हैं कहीं से तो यहाँ पर सरियाना के नीचे जैसे आई कार्ड रखा हूँ ना अपना, इसी तरह पैसा जैसे आई कार्ड अपना रखा हूँ ना तो उसी तरह हम लोग पैसा कौड़ी गाना यहीं रख के मर्द मेरा रुस हो जाते थे। तो बीवी तो अपनी बाबू के यहाँ थी, पिताजी के काम में थी और ये बिस्तर उस्तर कुछ तोड़ ताड़ के 95,000 रुपया और सिकड़ी दी हमारी वो ले कर चले गए। और मैं नामजद दिया हूँ, सब कुछ दरखास्त दिया हूँ मगर कासमाबाद के सोचो साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस एक ही शब्द बोले हैं ठीक है देख लेंगे कर रहे हैं। अरे क्या करोगे यार, जब ये मर जाएगा तब तुम करके क्या करोगे, या आपकी बस की नहीं तो चले जाओ। आप लोगों में इस तरह नहीं होता है ना, आदेश को आदेश। अभी हमको कर्नल का आदेश दे दे, साहब दे दे, एसएम साहब कोई अधिकारी आदेश दे दे बेटा पिटा के आयो तो मार के आना, उसके घर में मार दूं, ऐसा आदेश होना चाहिए। चलिए हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हाँ भाई हम जहाँ के लिए हैं वहाँ के लिए है ना, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए संविधान के नियमों का कभी अवहेलना नहीं करेंगे, कागजी करवाइए। आप परेशान मत होइएगा, आपके साथ पूरी मीडिया की टीम है। ओके थैंक। आप कभी भी कदापि आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे जी, आप अच्छे से रहेंगे, आप न्याय आपके साथ होगा। हाँ इंसाफ होना चाहिए, आप संविधान के नियमों के साथ। हमको घेर के मार दिया, कल कोई कल इसी तरह ये घूमेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारी नजर में एक डर बना रहेगा। आपकी सिस्टर भी पढ़ने जाती हैं तो फिर वो उनके साथ भी इस तरह की घटना है। सिस्टर को तो धमकी दे रहे हैं अगर छू देंगे तो मेरा हम नौकरी करना बंद की नौकरी नहीं करेंगे। देखिए आप शायद वीडियो देख, हमारी बहन को सीएम आदित्यनाथ योगी जी से अपील करूंगा कि जो अकबर अंसारी और जो एक प्रियांशु धमकी दे रहे हैं मारने के लिए, अगर जिस दिन हमारे परिवार को छू देंगे तो मैं अपना वर्दी नहीं चढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है, अपनी आन मान शान के लिए देश के लिए मर रहा हूँ तो अपने परिवार के लिए भी मर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। जय हिंद। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने वीडियो देखा होगा, चुमन की कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको मैं एडिट कर देता हूँ, आप सुनिए किस तरह से सफाई दे रहे हैं। बोल रहा हूँ सच न्यूज जागो चैनल से, बताए भाई। सर ये क्या मामला है डैया का, ये रामराज सिंह का जो लेश नायक हैं और इनके घर में मतलब लोग घूस के मारे पीटे हैं सर, और फिर मोहम्मदाबाद में तो मान लीजिए जो हुआ सो हुआ ही है सर, पूरा क्या है मामला थोड़ा हम जानना चाहेंगे। पूरी जानकारी हमें भी नहीं है। अच्छा सर इस ये हम तो बता रहे थे कि सर के पास गए थे, सर थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए और गंभीरता से देखिए सर। भाई हमने मुकदमा लिख दिया जी, तहरीर दे रहे थे जी, उसके बाद हमने इनको दबिश दिया, कोई घर पे है नहीं और क्या करेंगे, हम दो मिला मिले थे बंद कर दिए उनके परिजन साहब जो झगड़े वाले नहीं थे। ठीक है जी, ठीक है सर, चलिए हम आके मिल भी लेंगे सर। ठीक है मिल जाए। ठीक है नमस्ते।